दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल सभी लोगों को आदाब। तो आज जैसा कि मैं अभी इस समय गाड़ी चला रहा हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ, अब जैसे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो एकदम से आवाज़ आ रही है किरकिराहट की, एकदम से ऐसा लग रहा है कोई चीज़ टच हो रही है। बट उसमें कंडीशन क्या है कि मेरे जो गाड़ी के ब्रेक शू हैं वो हो चुके हैं ख़त्म। तो उस समय अब हम जब गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो हमें गाड़ी किस तरीके से कंट्रोल करनी है, किस तरीके से ब्रेक लगाना, वो हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और लाइव आपके सामने ये पूरी वीडियो चल रही है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आप मेरी गाड़ी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि आप जानते हैं, आप ब्रेक शू जैसे अगर आप टाइम से कभी कभी अगर भूल जाएं या कोई अगर आपको दिमाग में नहीं रहता है और टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवा पाते तो ऐसी एक आपातकालीन स्थिति हो जाती है। तो इस स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे कि मैं एक समय गाड़ी चल रही हूँ, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो एकदम से आवाज़ आ रही है और गाड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही, तो मैं इस समय क्या करूँगा, ब्रेक के साथ साथ एकदम से हैंड ब्रेक का भी यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, तो इससे क्या है, गाड़ी मेरी कंट्रोल में आ रही है और मैं इसके साथ गियर का भी यूज़ करूँगा। जैसे कि मैं अब गियर में ना डाल करके गाड़ी लाइट नीचे वाले गियरों में डालूंगा, जिससे कि गाड़ी थोड़ा सा डाउन होकर के कंट्रोल में आए। तो इस तरीके से आपको कंट्रोल करना है। देखिए, जैसा मैं अभी कंट्रोल करूंगा, अब जैसे कि मैं अभी रेस ले रहा हूं और मुझे जगह मिल रही रेस लेते हुए, तो अब जैसे अभी ये स्थिति मेरे पास आएगी कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे कि अब देखिए, मैं ब्रेक लूँगा, मीटर में देखिएगा हैंड ब्रेक का भी साइन आएगा। अभी रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अभी मुझे जगह मिल गई है। तो चलिए गाड़ी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, चौथा गियर डालते हुए, और मेरा टाँका पहुंच गया 80 पर। हालांकि आपके लिए रिस्की, आप इस तरीके का अभ्यास ना करें रोड पर, ये एक थोड़ा सा। और ये मैंने फिफ्थ गियर लगा दिया 80 के बाद और मेरी गाड़ी 80 के ऊपर आ चुकी है इस समय। आप इस तरीके का अभ्यास ना करें, ये एक अनुभवी वाली बात होती है। मुझे जैसे एक थोड़ा सा अनुभव है, ड्राइविंग का काफ़ी पुराना अनुभव है। तो जो भी नए लोग हैं, इस तरीके का अभ्यास बिल्कुल ना करें। पर क्या होता ना, कभी कभी जैसे रश ड्राइविंग में भी अगर आपको ऐसी स्थिति में अगर आपको गियर और एक्सीलेटर और ब्रेक का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको आपको किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, बस वही इस वीडियो में बताया जा रहा है। जैसे कि देखिए, मैंने ब्रेक लगाया, हल्का सा डाउन करी गाड़ी, दोनों ब्रेक का यूज़ किया, पेडल का भी यूज़ किया, कार के मेन ब्रेक का भी यूज़ किया और मैंने साथ साथ इसके हैंड ब्रेक का भी यूज़ किया। अब मैं जैसे कि अब गाड़ी मुझे स्लो करनी है तो हल्का सा पेडल लगाते हुए और गियर को हैंड ब्रेक को लगाते हुए मैं गाड़ी स्लो कर ली और मैंने इसी स्थिति में गियर भी डाउन कर लिया। तो मेरी गाड़ी बिल्कुल एकदम से कंट्रोल हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उस पर ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। और अगर मैं आपको आवाज़ सुनाई दे, मैं अभी थोड़ा सा आवाज़ नहीं सुनवा पा रहा हूँ क्योंकि ये आवाज़ बाहर से आ रही है और अभी हमारे शीशे बंद हैं, तो आवाज़ काफ़ी एक गंदे तरीके से आवाज़ आ रही है। कोशिश करूँगा आपको सुनवाने की। अभी मैं आपको शीशे रोक करके गाड़ी की आवाज़ सुनवाऊंगा कि किस तरीके की आवाज़ है वो। मैंने शीशा खोल दिया है गाड़ी का और जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो उस आवाज़ को सुनिएगा, आपको सुनाई देगी। आई होप आपको आवाज़ सुनाई दी गई हो, और नहीं आएगी तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर आपको आवाज़ नहीं सुनाई दी गई हो तो आवाज़ क्षमा मांगता हूँ उस चीज़ के लिए। बट आवाज़ काफ़ी बुरी और भयंकर आवाज़ आ रही है इस समय। तो मैंने जैसा इस वीडियो में आपको बताया कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप गियर का, हैंड ब्रेक का और मेन ब्रेक का तीनों का कॉम्बिनेशन है, उन तीनों से आप गाड़ियों को कंट्रोल आराम से कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो मैंने जिस तरीके से आपको उपयोग बताया उस तरीके से आप इस स्थिति में, आप इस स्थिति का आप मतलब थोड़ा सा उपयोग करना सीखिए, समझिए इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू।